तो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल क्या हाल चाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो आज का लोग जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं जो है नाश्ता करूँ बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है बच्चों की वेकेशन स्टार्ट होने में अभी जो है एक दो दिन बाकी हैं क्योंकि उनका एनुअल फंक्शन है उसकी कुछ तैयारियाँ वगैरह हो रही हैं तो वो बच्चों को जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ रहा है तो उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर मैं इब्राहिम को नाश्ता करवाई थी और आज खुद कर रही थी और आज मैंने आमलेट कोई नहीं बनाया क्योंकि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था आमलेट खाने को तो जहाँ पे मैंने बस चाय और बिस्किट खाया और साथ में इब्राहिम को भी जो है मैं यही खिला रही हूँ वो भी अभी सो के उठा है उसको मैंने चेंज वगैरह करवा के फ्रेश करवा के तो उसको मैं यहाँ पे अपने साथ जो है वो नाश्ता करवा रही हूँ और जी आज मैंने बनाना था वाइट पुलाव तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ और साथ साथ यहाँ पे ना फौरी से जो है मैंने नाश्ते के बाद यहाँ पे जो था बीफ कढ़ाई वो बनानी थी तो उसको मैंने बना रख दिया था क्योंकि गैस जो बंद हो जानी थी उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने दोबारा से चाय बनाई है क्योंकि काम के साथ साथ मैं चाय लाजमी पीती हूँ कुकिंग करते हुए जब इस तरह से मैं कुकिंग करती हूँ तो साथ में चाय लाद नहीं पीती हूँ अच्छा जी वाइट पुलाव की रेसिपी बनाते हैं चलें जी सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने जीरा लिया है और साथ में मैंने बड़ी इलायची दो जो है वो छोटी इलायची साथ में लौंग दालचीनी एक मलमल का कपड़ा साथ में इमली दो प्याज कटिंग किए हुए और अदरक लहसन और साथ में चिकन है और साथ में बॉयल राइस है और साथ में एक कप ऑयल है अच्छा एक कप ऑयल को जो है वो मैं इसमें एक से थोड़ा सा कम था उसको मैं डालूंगी एक पतीले में उसके साथ उसको गर्म करने के बाद जो मसाले हैं साबत मसाले उसको मैं इसमें डालूंगी और हल्का सा जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी मसालों को हल्का सा जैसे ये हल्का सा इनमें कलर चेंज हो जाएगा ज़ीरे का हल्का सा बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना उसके साथ ही मैं इसमें जो है आमलेट कट प्याज जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी और उसको ब्राउन होने तक हल्का सा ब्राउन करना है उसके बाद इसमें मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ और साथ में जो चिकन है वो चिक चिकन ऐड करूँगी चिकन के लिए यहाँ पर जो है मैंने लेग पीस ली है क्योंकि बच्चों के लिए मैं बना रही थी वाइट पुलाओ तो इसके लिए बच्चे जो है वो लेग पीस जो बहुत शौक से खाते हैं तो उसमें मैंने नमक और साथ में जो लाल मिर्च है मोटी वाली वो मैंने डाली है साथ में इमली का पल्प जो है वो डाल के इसको मैंने थोड़ा सा हिला के बस भून लिया था उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है चिकन में और साथ साथ में मैंने टमाटर और जो हरी मिर्ची है वो मैंने शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए जो है मैं इसको कवर करूँगी उससे पहले यहाँ पे जो मैंने मलमल का कपड़ा लिया था उसमें मैंने एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच जो साबुत धनिया वो डाल के उसकी पोटली बना के उसको मैं इसमें ऐड करके इसको कवर कर दूँगी ताकि इसका जो असर है वो अच्छे से हमारे जो है ग्रेवी उसमें आ जाए अच्छा जी यहाँ पे जो है ये बन गया था दस मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था बहुत लो फ्लेम पे मीडियम टू लो फ्लेम उसके बाद इसमें मैंने जो चावल वो ऐड किए हैं और उसको ऐड करने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा हिला के उसको मैंने सात से आठ मिनट के लिए कवर कर दिया था अच्छा जो फ्लेम है वो मेरी मीडियम है अच्छा उसके बाद मैंने इसको जब फिर से उसका जो ढक्कन है वो उसको खोल के इसको ओपन करके उसके बाद यहाँ पर मैंने मिक्स किया है इसको उसको दोबारा से जो है मैंने दम पे रख दिया था तकरीबन तकरीबन इसको पंद्रह मिनट के लिए मैंने जो है तो वो दम पे रखा है अच्छा यहाँ पे ये जो राइस है वो तैयार हो गए हैं और ये इतने मज़े के बनते हैं इतने मज़े के बनते हैं वाइट पुलाव आप लाजमी एक दफ़ा बनाइएगा और बच्चों के लिए जो है स्पाइसिस मैंने बहुत कम डाली हैं आप इन स्पाइसेस को ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए जो था वो मेरे लिए इतना बहुत था तो यहाँ पे ये यह जो वाइट पुलाव ये भी बन गया था जो मेरी कढ़ाई है वो भी साथ साथ मैंने बनाई थी तो यहाँ पर ये यह जो वाइट पुलाव है ये बन गया था और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी तो जी बस ये जो वाइट पुलाव है ये यहाँ पर बन गया है उसके बाद यहाँ पर जो है खाना वो मैं लगा रही थी अच्छा यहाँ पर आ जा थी अलाया तो बस जी वो यहाँ पे आए हुए थे तो मैंने खाना यहाँ पे लगाया साथ में ये बीफ कढ़ाई जो है ये भी बन गया अच्छा एक आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल के ज़्यादातर जो है मैं ये अलायाज़ फैमिली जो है इनके साथ हम लोग क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि मेरे हर व्लॉग में जो है वो अलाया अ की फैमिली जो है वो जाहिर ज़्यादा इकट्ठी वो ज़्यादा नजर आती है हमारे बच्चे क्योंकि हम दोनों हम दो सिस्टर जो है हम दोनों की शादी एक ही फैमिली में हुई है इस वजह से जो है ये फैमिली हम दोनों की जो फैमिली है वो ज़्यादा व्लॉग्स में नज़र आती है अलाया ज़्यादा नजर आती है क्योंकि हम दोनों की फैमिली जाहिर सी बात है एक फैमिली है तो इसमें आना जाना ज़्यादा होता है क्योंकि पिछली दफ़ा जब साड़ी की बर्थडे थी तब भी ये क्वेश्चन था तो जी आज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम दो बहनों की जो शादी है वो एक ही फैमिली में हुई है तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके बताना है और साथ में आपने इसको बना के भी फिर मुझे कमेंट करना है और इंस्टा पे आपने मुझे लाजमी टैग करना है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आज जो आपका सवाल था सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वो भी क्लियर हो गया तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाज